हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ इकेरस। तो ये इकेरस बेसिकली होता कौन है, इसकी डेथ क्यों होती है, कैसे होती है, वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, तो थोड़ा सा ना इस चैप्टर के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो होता यह है कि जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी है कि भाई श्री कृष्ण आए, राम जी आए, या और भी बहुत सारे पैगंबर आए, साईं बाबा आए, इसी तरीके से ग्रीस के लोगों में, ग्रीस जो हमारा कंट्री है ग्रीस, उसमें जो माइथोलॉजी है, उस माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जो लोग होते थे उनके पास एक स्किल होता था। स्किल मतलब एक आर्ट होती थी, एक कला होती थी कि दे यूज टू प्रिपेयर समथिंग फॉर देमसेल्व्स। यानी भगवान उनको इस तरीके से बनाकर भेजते थे लोगों को कि वो लोग अपने लिए कुछ अलग ही चीज बना लेते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ये था कि जैसे कुछ लोग पानी पे चल पा रहे हैं, कुछ लोग हवा में उड़ पा रहे हैं, और कुछ लोग उस टाइम पर ऐसे हुआ करते थे दैट इज कॉल्ड डेविल, जिनको आप दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं। तो वो दैत्य कैसे होते थे, जैसे किसी का सर जानवर का, बॉडी इंसान की। जैसे इवन यू माइट हैव हर्ड अबाउट मरमेड, mermaid, mermaid means जलपरी। तो ये जो ग्रीक माइथोलॉजी है, इस ग्रीक माइथोलॉजी में हुआ क्या कि एक जगह थी जो थी आपकी एक आइलैंड, उस आइलैंड का नाम था क्रीट, CREETE। तो ये जो क्रीट आइलैंड था, इस क्रीट आइलैंड का जो किंग था वो था मिनोस, मिनोस या मिनास, आप दोनों कह सकते हैं, मिनोस और मिनास, MINOS और MINOS, बोथ आर सेम। तो मिनोस और जो मिनास थे, ये क्रीट आइलैंड के राजा थे, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली क्रूअल, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक थे और टायरेंट थे, तानाशाह थे। ही डिडंट लिसन टू एनीवन, वो अपने हिसाब से अपने रूल चेंज कर लेते, तो ऐसे राजा थे मिनोस। तो एक दिन हुआ क्या, मिनोस के आइलैंड पर एक डेविल, एक मॉन्स्टर नेम्ड माइनोटोर, मिनोस के आइलैंड क्रीट पर एक डेविल जिनका नाम था मिनोटोर, वो आते थे। और मिनोटोर क्या थे, ऊपर से यानी बाय फेस ही वाज एन एनिमल, और बाय द लोअर बॉडी ही वाज अ ह्यूमन। तो उनकी आधी बॉडी जो थी वो तो इंसान की थी, और जो आधी बॉडी थी वो एक जानवर की थी। तो जो माइनोटोर था, ये जब भी क्रीट आइलैंड पर आता था तो ये बहुत सारे आदमियों को खा जाता था, बिकॉज ही लव्ड मीट ऑफ ह्यूमन, ही लव्ड ह्यूमन फ्लैश, उसको इंसान का मीट पसंद था। अब जो राजा थे वो बहुत परेशान हो गए, वो थे तो बहुत तानाशाह राजा, बट ही कुडंट डिफीट माइनोटोर, वो माइनोटोर को हरा नहीं पाए। और इस तरीके से जो उनकी पब्लिक थी, जो उनके सिटीजन थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। अब जो मिनोस राजा था, ही वॉन्टेड टू बी द पावरफुल किंग ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का बहुत शक्तिशाली राजा बनना चाहता था, लेकिन मिनोस राजा बन ही नहीं पाया, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू किल, ही वॉज नॉट एबल टू किल हिज एनिमी माइनोटोर, क्योंकि वो अपने एनिमी माइनोटोर को मार ही नहीं पा रहे थे। तो उन्हें कहीं से पता चला कि डीडलस नाम का, किसको पता चला, क्रीट आइलैंड के राजा मिनोस को पता चला कि एक बहुत अच्छा कारपेंटर है, बहुत अच्छा कारपेंटर जिसका नाम है डेडलस और उसका बेटा इकेरस, ये दोनों बहुत अच्छे कारपेंटर है, मैं चाहूं तो इनसे कुछ भी बनवा सकता हूं। तो हुआ क्या, इन्होंने अपने मैसेंजर भेजे मिनोस ने, और बोला कि जाओ तुम एक काम करो, तुम डीडलस और उसके बेटे कैरस को बुला के लाओ। तो मैसेंजर्स वहां गए, उन्होंने डेडलस को ये बताया कि सर ऐसे ऐसे है और मिनोस किंग ने आपको बुलाया है, वो आपकी कारपेंटरी के काम से बहुत खुश है, एंड ही वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, एंड ही ऑल्सो हैज समथिंग फॉर यू, और उनके पास आपके लिए काम भी है। तो डेडलस ने सोचा कि यार अगर हम क्रीट आइलैंड पर जाते हैं तो इकेरस मेरे बेटे, हमें तो बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो चलते हैं। तो दोनों फादर एंड सन चल पड़ते हैं। जब ये दोनों जाते हैं तो उनके जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी और है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये जो डेडलस थे, ये एक बहुत अच्छे कारपेंटर थे, लेकिन एक बार ये किसी शहर एथेंस, ATHENS, एथेंस नाम के एक शहर में ये कोई बिल्डिंग बना रहे थे। तो जब ये बिल्डिंग बना रहे थे एथेंस में डेडलस, तब तक इनके बेटा इकेरस पैदा नहीं हुआ था। तो बिल्डिंग बनाते टाइम जो वहां इनसे बिल्डिंग बनवा रहे थे राजा, वो
डेडलस के काम से ज्यादा खुश ना होके दूसरे कारपेंटर टेलस के नाम से ज्यादा खुश थे, है ना। द किंग ऑफ एथेंस वॉज मोर हैप्पियर देन द वर्क ऑफ टेलस रादर देन द वर्क ऑफ डेडलस। तो डेडलस के काम से इतना खुश नहीं थे जितना वो टेलस के काम से खुश थे। अब ये बात डेडलस को अच्छी नहीं लगी। डेडलस ने क्या करा, एक दिन वो किसी बहाने से टेलस को एक चट्टान पर लेकर वहां से उनको धक्का दे दिया। टेलस को डेडलस ने धक्का दे दिया, अपने बेटे के होने से पहले की बात है ये। अब धक्का दे दिया लेकिन किसी तरीके से, ग्रीक माइथोलॉजी की एक गॉडेस थी जिनका नाम था एथीन्स, एथेंस जगह का नाम है, उनका नाम था एथीन्स। उन्होंने किसे बचा लिया, टेलस को बचा लिया, टेलस बच गया। अब हुआ क्या, एक बहुत अच्छी कहावत है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हमेशा मिलता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। एंड दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर, यही चैप्टर की थीम है। उसके बाद हुआ क्या, टेलस अपने काम पर चले गए, अपनी जगह चले गए और डीडलस वहां से भाग कर आ गए। फिर उसके बाद डीडलस ने एक लड़की से शादी करी और इनके बेटा हुआ इकेरस, और 15-16 साल बाद इनको मिनोस के राजा क्रीट के राजा मिनोस ने अपने यहां बुलाया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि क्यों बुलाया, बस लेकिन इनको ये लगा इकेरस और डेडलस को कि भाई हम वहां जाएंगे तो वी विल हैव मनी, हमें पैसा मिलेगा। ये वहां पहुंच गए। अब जब ये वहां पहुंच जाते हैं, द किंग ऑफ क्रीट आइलैंड आस्क बोथ ऑफ देम टू क्रिएट अ मेज। वो उन दोनों से क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें एक ऐसी जगह बनानी है जहां पर कोई अगर इंसान आए तो वो फंस जाए, वो कभी बाहर ही ना जा पाए। आसान भाषा में यू हैव टू क्रिएट अ मेज, तुम्हें एक भूल भुलैया बनानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम बना देंगे। उन्होंने 3 महीने वहां रुकने के बाद दे मेड अ मेज, उन्होंने एक भूल भुलैया बना दी। मिनोस राजा ने उस भूल भुलैया को नाम दिया लैब्रिनिथ, लैब्रिनिथ। अब वो जो लैब्रिनिथ थी, वो जो भूल भुलैया थी, उसमें राजा ने क्या कहा, एक काम करो, किसी इंसान का कटा हुआ सर, किसी इंसान का कटा हुआ सर इस भूल भुलैया के बीचों बीच रख दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद इकेरस और उनके फादर डेडलस ने मिनोस से पूछा राजा से कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो राजा ने बोला ये जो मैंने तुमसे भूल भुलैया बनवाई है, इट इज मेड फॉर अ डेमन, अ डेविल, अ मॉन्स्टर कॉल्ड माइनोटोर। ये मैंने किसके लिए बुलाई है, माइनोटोर के लिए, जो आधा राक्षस है और आधा इंसान है। मतलब है तो वो राक्षस ही, बट हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ हिज बॉडी इज ऑफ एन एनिमल एंड हाफ ऑफ अ मैन। तो वो आता है और हमारे यहाँ के लोगों को खाके चला जाता है, उनका मीट खाके चला जाता है और मार के जाता है लोगों को। तो वी वॉन्ट टू सेव आर सेल्फ फ्रॉम देम। जबकि राजा की जो रियल इंटेंशन थी मिनोस की, वो क्या थी, ही वांटेड टू बी द पावरफुल किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। एंड हिज मेन इंटेंशन वॉज टू कैप्चर माइनोटोर, कि माइनोटोर को कैप्चर कर लेते हैं और जो भी दुश्मन हम पर हमला करने आएंगे हम उनको अपनी मेज, मतलब हम उनको इस भूल भुलैया में फंसा देंगे और माइनोटोर उन इंसानों को खा जाएगा। बिकॉज माइनोटोर लव्ड ह्यूमन फ्लैश, माइनोटोर को क्या पसंद था, ह्यूमन का फ्लैश। तो राजा की ये साजिश, बोथ डेडलस एंड हिज सन इकेरस वर नॉट नोन टू दैट, उन्हें नहीं पता था कि राजा की ये मंशा है। राजा वॉज थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, अब हुआ क्या, उन्होंने ऐसा ही किया, एक कटा हुआ सर उन्होंने इन द मिडिल ऑफ द मेज उस भूल भुलैया के बीच में रख दिया। कुछ दिन बाद जब माइनोटोर आया, उसने मीट का टुकड़ा देखा, उसके लिए तो टुकड़ा ही था सर, वो जैसे ही उस भूल भुलैया के अंदर गया, ही वॉज स्ट्रक देयर फॉर फॉरएवर, वो हमेशा के लिए वहां कैद हो गया। अब जो दोनों बाप बेटे थे वो राजा के पास पहुंचे कि साहब आपका काम हो गया है, अब हमें हमारे पैसे दे दो। तो मिनोस ने क्या बोला, अच्छा तुम्हें पैसे दूंगा मैं, वाई वुड आई गिव यू द मनी, मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं, आई एम द किंग एंड आई वुडंट गिव यू, कर लो जो करते हो, मैं तो राजा नहीं दूंगा पैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं महाराज हम चले जाते हैं। अब जब वो दोनों जाने लगे तो राजा ने उनको पकड़ लिया मिनोस ने, एंड मिनोस सेड आई वुडंट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बिकॉज यू आर द होल सोल, बिकॉज यू आर द होल सोल नोन पर्सन ऑफ द लैब्रिनिथ। ठीक, मतलब पूरी लैब्रिनिथ जो बनी है, पूरी जो भूल भुलैया बनी है, वो बनाई आपने है, हो सकता है आप कहीं और जाकर भी ऐसा बना दो, या ये भी हो सकता है आप मेरे बारे में किसी को बता दो, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ही इम्प्रिजेंट बोथ ऑफ देम, उसने उन दोनों को जेल में डाल दिया। लेकिन वो जो जेल थी वो भी भूल भुलैया के अंदर थी, एंड इट वॉज मेड बाई बोथ द फादर एंड द सन, वो उन्होंने ही बनाई थी। देन यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट प्रिजन और ऑफ दैट लैब्रिनिथ, उन्हें पता था कैसे बाहर निकलना है। वो दोनों बाहर निकल गए। जब वो दोनों बाहर निकल गए तो उन्हें इस बात का डर लगने लगा कि वी कैन रन अवे फ्रॉम देयर, हम भाग तो जाएंगे, बट द आईलैंड ऑफ क्रेट वुडंट लेट अस गो, क्योंकि आईलैंड का मतलब क्या, जो समुद्र के बीचों बीच हो, अब यहां से हम जाएंगे कैसे, अगर पानी के रास्ते जाते हैं
बाई वाटर रेस, तो भाई हो सकता है कि राजा के हमें लोग पकड़ ले, और अगर हम बाई चांस अगर हम मिट्टी के आसपास पहुंच गए तो भी बाहर इसकी किंगडम है, अब हम बचेंगे कैसे? सो डेडलस यूज हिज ट्रिक्स, डेडलस ने अपना दिमाग लगाया, अपनी ट्रिक्स लगाई। वहां पर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी और उनके पंख गिरने लगे। डेडलस ने क्या काम किया, उन पंखों को इकट्ठा किया। 7-8 दिन वो लोग वहां रहे उसी एक पेड़ के नीचे, वहां पर उन्होंने पंखों को इकट्ठा किया। एंड डेडलस बीइंग अ स्किल्ड कारपेंटर, डेडलस एक बहुत अच्छा कारपेंटर था, उसने क्या काम किया, उन पंखों को वैक्स के थ्रू मोम लगा लगाकर 4 जोड़ी मतलब 2 जोड़ी पंख बना दिए, 2 pair of wings, एक अपने लिए एक अपने बेटे इकेरस के लिए। जिस दिन पंख तैयार हुए दोनों ने एक दूसरे के पंख बाइंड किए बांधे एंड दे स्टार्टेड फ्लाइंग। इकेरस स्टार्टेड फॉलोइंग हिज फादर, जिस तरीके से डेडलस उड़ने लगे इकेरस अपने पापा को फॉलो करने लगे। सो बिफोर फॉलोइंग हिम डेडलस गेव हिम एन इंस्ट्रक्शन, डेडलस ने उनको बोला कि बेटा जी आप एक बात सुनो मेरी, दिस पेयर ऑफ विंग्स इज मेड ऑफ वैक्स, ये किसका बना है, मोम का। सो वी हैव टू मेक आर सेल्फ अवे फ्रॉम द सन, हमें धूप के पास गर्मी के पास नहीं जाना, स्पेशली सूरज के पास नहीं जाना। बट इकेरस बींग इन द लेडन स्टेट, इकेरस अपनी जवानी की उम्र में था, सो ही कुडंट हियर और ही डिडंट हियर और सिंपली ही इग्नोर, शायद उसने सुना नहीं या उसने सिंपली इग्नोर कर दिया। वंस ही स्टार्टेड फ्लाइंग, जब वो उड़ने लगा तो उसको इतना मजा आने लगा कि वो सूरज के पास पहुंच गया, और जब वो ऊपर जाने लगा व्हेन ही वाज ऑन द एल्टीट्यूड, जब वो हाई ऊंची हाइट पर था, द रेज ऑफ द सन दे केम टू द विंग्स, धीरे धीरे वो जो मोम था वो पिघलने लगा और पंख टूटकर गिर गए। एंड इकेरस फॉल इन टू द सी, इकेरस एक समुद्र में गिर गया। एंड इट वॉज द सी, ये वही समुद्र था वेयर डेडलस वॉन्टेड टू मेक टेलस फॉल, जिस समुद्र में डेडलस टेलस को गिराना चाहता था 15-16 साल पहले। सो द होल स्टोरी वॉज वी कैन नॉट गो बियॉन्ड नेचर, हम नेचर के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते, जो हम किसी के साथ करने की सोचते हैं दैट कम्स बैक टू अस, वो हमारे पास वापस आता है। एंड द चैप्टर इज ओवर एवरीवन, एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट, होप यू वुड हैव लाइक द चैप्टर।